जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। लोग ये कहते हैं कि संसार में बहुत सारे धर्म हैं, दूसरी राधा को ये दिखाई नहीं पड़ता है कि वास्तव में बहुत सारे धर्म हैं। कहने को हैं संप्रदाय, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, और क्या जो राष्ट्रीय हैं, पारसी हैं, फलाना है, धमाका, इस तरह के कहते हैं। परंतु धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा निर्माण नहीं किया गया। इसका जो कोडिफिकेशन है, जो शास्त्रों का उद्गम हुआ है या शास्त्र प्रकट हुए हैं, इसको कोई कलम और कागज पर लिखने से नहीं हुआ है। बाकी कुरान बाइबल जो भी है, ये कागज कलम से लिखने वाली बात है। वेद को कहा गया है अपौरुषेय, मतलब पुरुष का उसमें हाथ नहीं लगा है, और भगवान का श्वास वेद है। तो भगवान वेद जो है, भगवान ही है वेद भगवान। जैसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, हमारे सनातन धर्म की मान्यता या नियम, देखिए मान्यता नहीं है, वो सत्य है, सनातन धर्म के सत्य, अलग अलग पहलुओं के सत्य। मान्यता कह देने से तो एक माना हुआ चीज, कोई चीज हम मान लिए, नहीं ऐसा नहीं है, वो है ही वही चीज, शब्द ब्रह्म। जो वाणी प्रकट होता है, बैखरी कहते हैं, जो उच्चारण करके कहा जाता है, बैखरी कहते हैं उसको, और प्रशांति उशांति क्या क्या उसमें बहुत सारे भेद है उसका। बहुत गहरा हमारा धर्म है और गहरा इसका ज्ञान है। यहाँ कोई भी शब्द का गूढ़ रहस्य है, कोई भी शब्द। जैसे पिता या पति या पत्नी या धर्म पत्नी, पुत्र, पुत्र का परिभाषा देखिए महाभारत में, तो ये एकमात्र असल सही धर्म है। और इसमें धर्म में जो जिसका जन्म हुआ है वो धन्य है, उस पर भगवान की विशेष कृपा हुई है, क्योंकि भगवान की कृपा तो सभी पर है, न केवल समस्त मनुष्यों पर है, बल्कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि इतने स्थावर जंगम जीव हैं, सभी पर भगवान की कृपा है, भगवान का विधान है। कृपा मतलब ये मत समझना कि कृपा मतलब सब अच्छाई अच्छाई जिसमें हो वही कृपा है, और जो अच्छाई अच्छाई ना हो वो कृपा नहीं है, ऐसा मत समझना कभी भी भूल करके। सभी कुछ कृपा है भगवान का। तो सनातन धर्म में जो आए हो कोई तुम लोग, तो उसको अहोभाग्य समझो, भगवान की विशेष कृपा समझो, और उसका सदुपयोग करो। तुम्हारा यहाँ धरती पर प्रकट होने का, जन्म लेने का सदुपयोग करो। तो हमारा न केवल प्रत्येक शब्द का गूढ़ रहस्य है, बल्कि हमारा आचार व्यवहार सब तय किया गया है धर्म द्वारा। कोई भी आचार व्यवहार नहीं है जो सनातन धर्म पहले से तय करके ना रखा हो। और धर्म हमारा उच्छृंखलता
को एकदम साफ मना कर दिया है कि किसी भी प्रकार का मनमानी नहीं करना है। मतलब अपने मन से कोई नियम बना करके एक व्यवहार करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा भगवान की आज्ञा है। और भगवत गीता में 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, 22वें, 23वें, 24वें इस तरह के श्लोक हैं, तीन चार इसी विषय पर, कि कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, वो शास्त्रीय सम्मत होना आवश्यक है, शास्त्र पर आधारित होना आवश्यक है। आज जो मनमानी करता है उसका पतन होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, ऐसा भी उसमें भगवान ने कहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं कहे हैं, तो इसलिए इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। तो आजकल ये एक चल पड़ा है कई दिनों से, आइस बकेट कह रहे हैं उसको, वो है ठंडा पानी, बाल्टी में बर्फ जैसा ठंडा पानी होगा, वो पानी को लेके सर में डाल देना और उसका, मैं मुझे पता नहीं था क्या है, तो फिर मालूम किया इंटरनेट सर्च से, तो पता चला कि उसमें जो पानी डालेगा उतने से उसका काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि वो $100 अमेरिकन करेंसी जो है, $100 वो दान में देगा। फिर या तो 6 व्यक्तियों को चैलेंज करेगा कि तुम लोग भी डालो ऐसा पानी। और भारत के लोग भी इस काम को करना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, समाचार में था, उन्होंने भी ऐसा किया और उसके बाद दूसरों को चैलेंज भी किया, जिसमें केजरीवाल का नाम भी था, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का नेता है, संस्थापक नेता है, लड़का है, बहुत उम्र का नहीं है, 40-45 साल का होगा। तो उसको अस्थमा, डायबिटीज, इस तरह की कुछ बीमारियां, तो उसके लिए ये ठंडा पानी से डालना जो है वो हानिकारक होगा, निश्चित रूप से होगा। तो ये जो मोदी का उसको चैलेंज करना, ये सर्वथा अनुचित है और पाप कर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको संयम बरतना चाहिए कि किसको चैलेंज करना चाहिए, किसी को चैलेंज नहीं करना। तुम जानते हो कोई बीमार है, उसकी बीमारी कोई छुपी हुई नहीं है, वो बार बार जो आंदोलन में जाता है, और कोई इस तरह का रात भर कहीं धरना दिया था दिल्ली में, तो तबीयत उसकी खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हुआ था, सबको मालूम है ये बात, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अब आई आइस बकेट का जो हरकत है, इसको सनातन धर्म का इसमें क्या नियम बनता है? सनातन धर्म में जल का सेवन किया जाता है और भगवान जब अपना विभूति रूपों का वर्णन किए हैं भगवत गीता में भी और भागवत महापुराण में भी, विभूति योग कहते हैं उसको, तो वो कहते हैं कि मैं चंद्रमा भी हूँ, मैं सूर्य भी हूँ, मैं वायु भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, दिमाका भी हूँ, उसमें जल भी है, कह रहे हैं कि जल मैं, मेरा स्वरूप। तो जल के साथ छेड़खानी करने का नियम नहीं है सनातन धर्म। जल को भगवत स्वरूप सनातन धर्म में माना गया है और भगवान की तरह उसकी देखना चाहिए उसको, क्योंकि जल शुद्ध करता है। इसलिए कोई भी पूजा अनुष्ठान होगा तो वहाँ पात्र में शुद्ध बर्तन धोया, बर्तन मांजा हुआ अच्छी तरह से, उसमें शुद्ध जल रहता है, उसी जल से भगवान की पूजा अर्चना सब होता है। ये जल की जो महिमा है, ये दूसरे धर्म के लोग क्या जाने, क्या समझें? तो जल से स्नान करने से शुद्ध होता है मनुष्य, जल को पवित्र माना गया है ही, माना क्या गया है, जल पवित्र है ही, जब तक उसमें कोई चीज और मिलावट ना हो जाए,
कोई गंदगी या कोई और चीज, तो वो जल पवित्र ही है। और उसको अपवित्र मनुष्य करता रहता है, बार बार करता रहता है, मूर्खामी के कारण, समझ ना समझी के कारण। जो समझ जाएगा कि ये जल जो है भगवान का स्वरूप है, भगवान इसको महत्व देते हैं इतना कि अपना बना लेते हैं उसको, और जल जीवन है सब। हम तो बचपन से इस बात को पढ़े हैं स्कूल में, जल ही जीवन है, ऐसा हमको पढ़ाया भी गया है स्कूलों में, विद्यालयों में, पहले जमाने की शिक्षा। आजकल के जमाने में ये सब बातें क्या मालूम कहते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा संदेह होता है। जिस प्रकार का उच्छृंखलता का वातावरण बन रहा है, ये आश्चर्यजनक है, लेकिन कलयुग को देखते हुए फिर आश्चर्य की बात भी नहीं है, कलयुग में ऐसे होंगे सब। तो वो आइस बकेट का कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, शास्त्रीय सम्मति नहीं है कि आइस बकेट तुमको करना चाहिए। कोई किस काम के लिए आइस बकेट कर रहे हैं? चैरिटी के लिए। चैरिटी मतलब दान दक्षिण। तो दान दक्षिणा का नियम सनातन धर्म में एकदम सटीक नियम बने हुए हैं उसके। पहला एक नियम तो ये है कि जितना तुम्हारा आमदनी होता है, किसी का आय का 10वां प्रतिशत जो है उसको दान दक्षिणा में खर्च कर देना चाहिए। दान किसको दोगे? दान ढूंढने ढूंढ करके, लोग तलाश करके उसको दान देने का नियम नहीं है कि तुम परेशान हो गए या घर से निकलो और ढूंढो कहीं कोई गरीब असहाय व्यक्ति है, उसको ढूंढो और वहां जाके दान दो, ऐसा नियम नहीं है। दान का नियम ये है कि जो तुम्हारे सामने आ जाए, सम्मुख उपस्थित हो जाए, उसको देखो और उसको थोड़ा सा समझो, और समझने के बाद यदि उचित पात्र है तब दान दो। अनुचित पात्र को दान देने से वो दान फलीभूत नहीं होता है, और दान को गुप्त रखा गया जाना चाहिए, ऐसा भी नियम है। ये तीसरा नियम, गुप्त दान की श्रेष्ठता मानी गई है, श्रेष्ठता है गुप्त दान, अपने को प्रकट ना होने दे। और यहाँ आइस बकेट करके वो क्या कर रहे हैं? सामने फोटोग्राफर को रख रहे हैं, वीडियो वाला हो चाहे स्टील कैमरा हो, जो भी हो, वो फोटो लेके फिर वो फोटो किसी इंटरनेट न्यूज़ चैनल में, वेबसाइट में या किसी न्यूज़ चैनल में फिर वो प्रकाशित हो रहा है कि हाँ इसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और अगर तुम्हारा वो ALS कोई बीमारी है जो मस्तिष्क से संबंधित है, न्यूरोलॉजी से संबंधित है, उस बीमारी में कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उसने ये आरंभ किया कि उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाए कि ताकि उस पर, उसका कोई कारण का अभी तक पता नहीं है, वो बीमारी होता क्यों है, और उसमें आदमी पैरालाइज जैसा अवस्था, उसका विकट अवस्था हो जाता है, तो इसलिए उस बीमारी के रिसर्च करेंगे और जानकारी करेंगे, फलाना करेंगे, तो उसके लिए हो। तो रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे, वो धन किसके पास जा रहा है और वो धन का सदुपयोग किस प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका क्या हिसाब किताब है। तो दान योग्य व्यक्ति को करना है और यथाशक्ति करना है। अगर तुम्हारी शक्ति 1 रुपया देने का है तो तुमको 1 रुपया देना है, अगर 10 रुपया देने की शक्ति है तो 10 रुपया देना है, 100 देने की शक्ति है तो 100 देना है, लेकिन यथाशक्ति देना है। और ऐसे देना है जैसे कि तुम वो चीज डिवाइन एक्शन है, जैसे कि तुम्हारा ये दिव्य कर्म तुम कर रहे हो, भगवान को सामने हाजिर नाजिर रख के, जैसे कहते हैं भगवान साक्षी हैं तुम्हारे हर एक हरकत का, हर एक कर्म का भगवान हमेशा साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं और देखते भी रहते हैं, सबको हमेशा देखते रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु का आंख में कोई ये आईलिड्स पत्ता ये सब कुछ नहीं है, वो एकदम चका डोला उसको कहते हैं, मतलब गोल आंख है उनका, और इतना गोला गोल आंख है कि वो सब हमेशा खुला रहता है और वो सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि को वो देखते रहते हैं, इसीलिए उनको चक्का डोला कहा जाता है उड़िया में। चक्का मतलब गोल, जैसे पहिया है चक्का जाम हो जाता है, यूपी में कहते हैं ना चक्का जाम, तो यूपी में भी चक्का मतलब गोल पहिया,
की तरह उनकी आंख है, इसलिए चका डोला। डोला मतलब जो डोलने वाला आंख, पुतली ना नाचता है ना तो डोलने वाला है तो चका डोला है भगवान, तो सबको देखने वाले हैं। तो जो भी दान दे रहे हो उसको बहुत ही विनम्रता के साथ वो दान देना है, ये भी नियम है। जो आइस बकेट वाला दान है उसमें तुम्हारा अहंकार बहुत है, अहंकार पूर्वक तुम कर रहे हो, अरे मैं भी हूँ, मैं कोई काम थोड़ी ना हूँ, तुम लोग कर रहे हो तो क्या हुआ, मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मैं भी दान दे सकता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो विनम्रता के साथ दान देना है कि भगवान का वस्तु जो है वो मैं भगवान को दे रहा हूँ, इस भाव से दान देना है। चाहे मनुष्य को दे रहे हो, गरीब आदमी को दे रहे हो, या जिसको भी दे रहे हो, असहाय आदमी को दे रहे हो, तो वो भगवान को दे रहा हूँ, क्योंकि सब में भगवान सबके हृदय में बास करते हैं, तो इसीलिए सब में भगवान है, तो भगवान को ही मैं, ये उन्हीं का वस्तु है, ये रुपया जो है उन्हीं का है, उन्हीं को मैं समर्पित कर रही हूँ। तो समर्पण का भाव सनातन धर्म के दान में, और पात्रता बहुत आवश्यक है। एक जगह एक औरत आती थी, जब बचपन की बात बता रहे हैं, वहां जहाँ रहते थे, गली है, और एकदम निर्वस्त्र, तो लोग उसको कोई साड़ी उड़ी दे देते थे, तो वो रख लेती थी उसको पोटली, दूसरे दिन फिर निर्वस्त्र होके पहुंच जा गई। तो ये क्या है, वो खाली कपड़ा इकट्ठा कर रही है, लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, उनका जिसको आजकल तुम लोग कहते हो इमोशनल अत्याचार कर रहा है कि मैं नंगी होके जाऊंगी तो लोगों में दया का भावना निश्चय निकलेगा कि लोग हाय हाय करेंगे, और उनको असमंजस लगेगा, उनको एम्बैरेसमेंट लगेगा, तो अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए या बचाने के लिए या संतोष देने के लिए वो जबरदस्ती मजबूर होकर के कोई ना कोई कपड़ा मुझे देंगे, ये उसकी चालबाजी है, ये कोई दान देने के योग्य पात्र नहीं है। उल्टा उसको अच्छी तरह से डांट फटकार थोड़ा कराया जाए तो वो फिर भागेगी और अपना कपड़ा लता पहन के फिर रहेगी, बदमाशी कर रही है। रहीम जो थे किसके सेनापति थे, बाबर के सेनापति थे या किसके सेनापति थे, ये युद्ध करने वाले आदमी थे, मुसलमान भी थे, तो उनके दान देने के बारे में मैंने कहीं पर पढ़ा, वो दान दानी थे, जैसे कर्ण महाभारत का कर्ण जो है वो बहुत दानी था, उसी तरह से रहीम जी जो हैं वो भी दानी थे, दान देते थे, मौका मिलते ही दान देते। तो उसमें ये लिखा है कि दान जब वो देते थे तो अपना सर ऐसे नीचे कर लेते थे, आंख भी नीचे कर लेते थे और ऐसे दान देते थे, ऐसे आंख नीचे करके मतलब एक व्यक्ति का अपनी अभिव्यक्ति है, उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं ये उसी का परिचायक है ये अभिव्यक्ति। तो उनमें ये भाव है, उसमें ये लिखा है कि मैं दान देने वाला हूं कौन, मेरा क्या हैसियत कि मैं दान दे सकूं किसी को, ये तो मालिक का कर्म है मुझ पर, ऐसा कहते हैं बस कि भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि ये बुद्धि भगवान दिए हैं और मेरे हाथों से ये काम करवा रहे हैं, तो मैं धन्य हूं, अनुभव कर रही हूं। वो मुसलमान है वो व्यक्ति, लेकिन उसका भाव और उसका क्रिया ये सनातन धर्म का है, तो इसीलिए मैं कहती हूं सनातन धर्म का अनुयायी केवल जिसको आजकल हिंदू कह रहे हैं ये नहीं है, सभी लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं चाहे वो ना माने। तो ये धन धन ये दान का प्रक्रिया हमारा सनातन धर्म का नियम है। तो आइस बकेट कहाँ से शुरू हुआ, किसी दूसरे देश से, पाश्चात्य देश से प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड से हुआ, मुझे ज्यादा अनुमान हो रहा है, पढ़े लिखे कुछ पढ़े हैं, तो जहां से भी हुआ है उसको तुम अनुकरण क्यों कर रहे हो,
दान देने के लिए हमारा बहुत माध्यम है। केवल आइस बकेट का चैरिटी चैरिटी है, बाकी चैरिटी चैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो चैरिटी शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ तो दान के साथ धर्म शब्द जोड़ा जाता है, दान धर्म। और अमावस्या के दिन देखिएगा आप कैलेंडर में, जो धार्मिक कैलेंडर निकलते हैं, बनारस से भी निकलते हैं और जगह से भी निकलते होंगे, उसमें हमेशा लिखा रहता है कि अमावस्या तिथि क्या है, अमावस्या दान धर्म का अमावस्या, ऐसा लिखा रहता है। तो हमारा काल या समय भी निश्चित किया गया है दान देने का, कि अमावस्या को दान देना आवश्यक है या दान देने का विधान नियम है, उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, धर्म की रक्षा होगा, धर्म का आज्ञा का पालन होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो अमावस्या के दिन दान देना, और इसका कारण क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम। हम तो ऐसे हैं, भक्त भक्त ऐसा होता ही है कि भगवान कह दिए छलांग लगाओ तो छलांग लगा देते हैं, भगवान कहे भगवान भजन लगा करो तो भजन करना शुरू करते हैं, भगवान कहते हैं ये वैजयंती माला पहन लो तो वैजयंती माला पहन लेते हैं, भगवान कहते हैं तुलसी का माला पहन लो तो तुलसी का माला पहन लेते हैं, भगवान कहते हैं ये कंठी लगा लो तुलसी का तो कंठी लगा लेते हैं, भगवान कहते हैं दुपट्टा धारण कर लो दुपट्टा धारण कर लो, भगवान कहते हैं श्रृंगार कर लो, मांग में सिंदूर भगवान भर देते हैं, टीका लगा देते हैं, चंदन ये चंदन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, 16 श्रृंगार कर लो तो 16 श्रृंगार कर लेते हैं, और स्त्री भाव में आ जाओ तो स्त्री भाव में आ जाते हैं। भक्त ऐसा होता है, भगवान कारण ढूंढने नहीं आता है, भगवान क्यों कह रहे हैं, एकदम अपराध हो जाएगा, एकदम दुष्टामी वाली बात हो जाएगी, ऐसा कोई किसी के विचार में आता ही नहीं है, किसी सही भक्त के विचार ये सब नहीं आता है। अमावस्या को क्यों दान दें और द्वादशी को ना दें और एकादशी को दें, या द्वितीया को क्यों ना दें या तृतीया को क्यों ना दें, पंचमी को क्यों ना दें, बेकार की प्रश्न है, सब मूर्खामी वाली प्रश्न। जो तय हो गया भगवान निश्चित कर दिए, जैसे भगवान का आज्ञा पालन कर रहे हैं, हाँ बहुत प्रसन्नता है। तो सनातन धर्म ऐसा अंधानुकरण इसको कहते हैं, तुम लोग कहते हो कि बहुत सारे उसको क्या कहते हो तुम लोग, अंधविश्वास हमारे समाज में है बोल के, हिंदू धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास हैं बोल के, जैसे अमावस्या को दान करना एक अंधविश्वास कोई कह सकता है, लेकिन ये क्या है आइस बकेट, ये भी एक मूर्खामी वाली अभ्यास नहीं है, ये अंध अनुकरण नहीं है। आइस बकेट एक बाल्टी लाओ, उसमें पानी डालो, फिर उसमें बर्फ डालो, उसको ठंडा करो उतना, और फिर उसको सर पे डालो बिना भजे। तुमको $100 चाहिए, $100 दान देना है, $100 दे दो, दान दे दो, इंटरनेट में ट्रांसफर कर दो उसको, मनी ट्रांसफर जहां जाना है चला जाए, आइस बकेट की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन एक आडंबर व्यर्थ का, और एक दिखावा, और एक खेल तमाशा, इसी को व्यसन कहते हैं। जैसे ताश खेलना है, ताश का पत्ती फेंट रहे हो, फेंट के उसको बांट रहे हो और ये वो हुआ क्या हार्ट्स है और क्या क्या खेल है आजकल सब, तंबाकू खाना करके वो जीभ को पलट के जीभ के नीचे और डालते रहते हैं, कुछ खैनी खाते हैं, क्या खाते हैं, हमने देखा है सब, आजकल गुटखा उटका चल पड़ा है, ये सब व्यसन है। तो जितने भी व्यसन हैं वो सब तुम्हारा नुकसान करने वाले, फायदा कराने वाले कोई व्यसन नहीं है। जैसे तुमको दूध पीने का अभ्यास है, दूध गाय का दूध पीने का अभ्यास है, ये व्यसन नहीं है, ये उल्टा भगवान की सेवा है, क्योंकि गाय जो है मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण को कितने प्यारे हैं तुम लोग जानते हो, गाय चराने जाते थे, वन में जाते थे, लीला किए हैं, गाय उनकी बांसुरी बजाते हैं तो गाय बछड़े आकर के ऐसे स्तब्ध होकर के सुनते थे उनके बांसुरी, इतने इंटीमेसी है भगवान का
गाय के साथ इंटीमेसी लगाव है, भगवान पसंद करते हैं, गौ माता को पसंद करते हैं, सनातन धर्म पसंद करता है गौ माता को। और जो गांव के मांस खाने वाले हैं वो एक शुरू कर दिए, आइस बकेट फलाना बकेट ढिमका वगैरह, तो तुम लोग शुरू हो गए उसमें, भारत के हिंदू लोग, हमारी बुद्धि वृत्ति कहाँ गई? शास्त्रीय आधार किसी भी कर्म का करो, दान धर्म के लिए हमारे यहाँ बहुत स्कोप है, बहुत अच्छे व्यवस्था है। अशुद्ध चित्त होकर के को सब काम किया जाता है। अब ब्राह्मणों को जब दान दिया जाता है तो कितनी क्रिया उसमें कर्मकांड के क्रिया करने पड़ते हैं। ब्राह्मण की पूजा की जाती है पहले, आजकल तो ब्राह्मण बेचारा पूजा पूजित नहीं होता है, पूजा कोई नहीं करता है, उल्टा कोई ऐसा मायावती जैसा नेता कहे कि क्या 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 मारो जूता चार, ऐसा उसका स्लोगन था पहले, मैं भूल जा रही हूँ उसको, यूपी की बात है, उसमें ब्राह्मण भी होता था, ब्राह्मण की जूता मारने की बात करते हैं लोग आजकल, आश्चर्य है। तो इसका कोई महत्व नहीं है, आइस बकेट वगैरह का, ये सब व्यर्थ का हरकतें हैं, और इसमें जो मनुष्य कर रहे हैं उनके बच्चे भी इसमें प्रेरित होंगे इस प्रकार का हरकतें करने के लिए। ये जो मोबाइल फोन और ये कम्युनिकेशन वाली बात है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, आगे बढ़ गया है कि अब खास करके सोशल नेटवर्किंग इस तरह के नाना प्रकार के वो सब विदेशी बनाए, हमारे देश का वो नहीं है कोई भी, लेकिन हमारे देश के लोग उसमें लट्टू हैं, उसको स्वीकार कर लिए हैं और पागल की तरह उसको अभ्यास कर रहे हैं, उसके बिना उनका जीवन खाना भी हजम नहीं होता होगा ऐसा अनुमान है मेरा। उसको देखने परखने के लिए हमने भी फेसबुक का अकाउंट खोला था, ट्विटर का अकाउंट खोला था, और देख लिए, समझ लिए, जान गए और उसको बंद कर दिया, बिल्कुल व्यर्थ बेकार, उसका कोई भी स्वास्थ्यकर लाभ उससे नहीं है, उसमें केवल नुकसान ही नुकसान है। जो मन में आया ट्वीट कर दिया या फेसबुक में ले आए, नंगी फोटो भी लोग लाए हैं, और सेल्फी वेल्फी क्या आजकल बहुत चला हुआ है, अपने फोटो खुद मोबाइल से खींचते हैं और उसको नाना प्रकार की गंदगी। कुछ लाभकारी बातें होती हैं कि फेसबुक के माध्यम से कोई चोर पकड़ा गया या किसी का खोया हुआ कोई सामान मिल गया, इस तरह के भी कुछ समाचार आते रहते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है। लेकिन उसका जो एडिक्शन है ये बहुत नुकसानदायक है। और फेसबुक चलाने वाला कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो पैसा कमा रहा है, उसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, उससे उसको बहुत लाभ हो रहा है, आर्थिक लाभ, इसलिए वो फेसबुक में, ट्विटर भी इसीलिए है, बाकी और क्या क्या हैं वो सब भी उसी तरह के होंगे, सब नहीं देख पाए हैं। और तो हमारे देश में जो सनातन धर्म है इसका एक मूल नियम ये है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हम लोगों को सनातन धर्म सिखाता है कि तुम लोग त्याग में अपना जीवन जियो, बहुत महंगे कपड़े लत्ते मत पहनो, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए ये नियम नहीं है, स्त्रियों को तो श्रृंगार और बनारसी सिल्क और पाटो साड़ी, पाटो उसको कहते हैं,
उड़िया में, वो सब पहनने का उनका अधिकार है, उनका नियम है, उनको उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। उनका धर्म ही उस तरह का है। लेकिन पुरुषों के लिए जो घर का कर्ता है उसके लिए कहा गया है, जो देखिए ना भगवान श्री कृष्ण के जितने भी फोटो मिलेंगे वो सब उनका शरीर में कोई पूरा शरीर को ढकने वाला कोई वस्त्र नहीं होता है, एक अंग वस्त्र वो लिए रहते हैं इस तरह का दुपट्टा, बस दुपट्टा धारण करते थे, बाकी नंगा शरीर था होता था, और कमर से नीचे वो पीतांबर पहनते थे, ना कोई बनियान होता था ना कोई बात होती थी, कुछ नहीं, नीचे लंगोट उंगोट पहनते थे, कुश्ती कसरत वो पहलवानी करते थे भगवान ब्रज में। पहलवानी करके तो वो कंस को मारे हैं, उनका जो चाणूर और मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान थे उनके साथ पहले जांग में ऐसे ताल ठोक करके ऐसे ऐसे करके भगवान जो है अखाड़े में उतरे हैं, पहले कुश्ती किए हैं, फिर कंस को जाके घसीट के मारे हैं, ऊपर से फेंक फाक करके दिए। तो सनातन धर्म का शिक्षा ये है कि त्याग में रहो, और त्याग बहुत बड़ी बात है, भोग से त्याग अधिश्रेष्ठ है। और तुम कभी कोई भी जो सनातन धर्म का असल अनुयायी हैं उनसे तुम कहो कि तुम आइस बकेट करो, वो कभी नहीं करेगा, क्या मूर्खामी, तुमको दान देना है तो दान दे देना, आइस बकेट क्या होता है, सब नकल कर रहे हो, अपना तुम्हारी बुद्धि बुद्धि प्रयोग नहीं कर रहे हो, वो ऐसा डांटेगा। संसार में जो है खास करके अमेरिका में मैंने देखा है, उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ या ऐसा कुछ है, वेबसाइट है, और उसके बहुत सारे सबॉर्डिनेट यूनिट्स हैं, और वो सब बड़े बड़े रिसर्च काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े रईस लोग जो हैं वो सारे रिसर्च को फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उसमें, तो पैसे की कोई कमी नहीं है उधर, लेकिन वो आडंबर करने वाली बात। तो आइस बकेट का ये आडंबर सनातन धर्म के अनुसार सही नहीं है, बेकार की बात है। अपना धर्म कर्म करो, तुमको मैं कहूँ जो आइस बकेट कर रहे हैं, मैं कहूँ कि गीता का कोई श्लोक सुना दो तुम, पसीना निकल जाएगा। भगवत गीता जो है वो जीवन का आधार है, मनुष्य जीवन का, और सारे विश्व में वो प्रसिद्ध हुआ है, और विदेशी लोग उस पर बहुत काम कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं उस पर, लेकिन भारतीय होकर के तुम गीता का श्लोक नहीं मालूम, भागवत महापुराण का कोई श्लोक सुना दो नहीं मालूम, कोई प्रकरण सुना दो नहीं मालूम, और आइस बकेट जरूर कर लोगे, अब फोटो कर छाप दोगे तो सोचो कि तुम धन्य हो गए, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। आइस बकेट वाला जो हरकत है वो कर्मबंधन करने वाला काम है, क्योंकि कामना के साथ तुम उसको कर रहे हो कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, तो कर्मबंधन बनने के लिए खुद करो या किसी से करवाओ या किसी काम का अनुमोदन करो, ये तीन तरीके से वो तुम्हारा कर्म माना जाएगा, और वो कर्मबंधन बनेगा। कर्मबंधन मुक्ति के खिलाफ विरुद्ध है, मुक्ति नहीं मिलेगा बंधन मिलेगा, तो अपने आप को कर्मबंधन में क्यों डाल रहे हो। जो मुक्तिदायक है, जैसे तुम दान देना है तो धर्म पूर्वक भगवान को साक्षी मान करके यदि तुम दान कर रहे हो वो मुक्ति देगा तुम, और मन से तय करके कि नहीं मैं उस कॉज के लिए जरूर दान दूंगा और वो बढ़िया काम है मैं करूंगा, तो कामना के साथ इस तरह से करोगे, भगवान कहीं बीच में है ही नहीं तुम्हारे विचार में, वो बंधन कारक है। तो इसलिए बंधन कारक काम करने से बचना चाहिए।
उसी तरह से वो एनिमल्स राइट्स वगैरह, एनिमल प्रोटेक्शन के ऊपर जो है, विदेश में लड़कियां नंगी हो जाती हैं, और सब जवान लड़कियां। कोई बुढ़िया औरत को नंगे होते हुए उस काम के लिए मैंने नहीं देखा है कोई फोटो। एनिमल प्रोटेक्शन लेकर के जो नंगे हो रहे हैं लोग, अपना फोटो छपवा रहे हैं वेबसाइट्स में और न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे हैं, उस तरह समाचार पत्रों में छपवा रहे हैं, किसी बुढ़िया औरत को मैंने नहीं देखा है। सब जवान औरतें, लड़कियां नंगे हो रहे हैं। और भारत के भी कुछ लोग उसमें शुरू हो गए, ये क्या तमाशा है? नंगा होना तुम्हारा इरादा है? वो बिल्कुल एविडेंट है, उसके किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बुनियादी आवश्यकता तुमको नंगा होना है, पब्लिकली सबके सामने नंगा होना तुमको अच्छा लगता है। हाँ, तो तुम एक बहाना ढूंढ ली एनिमल प्रोटेक्शन, नंगे हो गए और बहादुरी दिखा दिए कि हम तो ये हुए। ये न केवल कर्म बंधन वाला बात है, न बल्कि इसमें पाप कर्म भी है। क्योंकि स्त्री को कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे आचार व्यवहार करना है, वस्त्र आभूषण है, इसका सब मनुस्मृति में नियम है, सनातन धर्म में नियम है। उसको पूछता कौन है सनातन धर्म क्या चीज है? अरे है तो क्या हुआ, हम का हम नहीं जानते, कोई जरूरत नहीं जानने की। अरे हम तो कोई BA MA या BSc MSc कुछ पढ़ लिए हैं, MBA FMBA कर लिए हैं, तो अब हमको नौकरी उकरी मिल गया है बढ़िया। ये क्या आजकल BBA MBA और वो कंप्यूटर MCA, क्या क्या कंप्यूटर कोर्सेस हैं, ये सब हम कर लिए हैं, हमको नौकरी मिल गया है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। धनधर्म देख करके क्या करेंगे, हम तो बैकवर्ड हो जाएंगे, हम तो मॉडर्न बनना चाहते हैं, मानो। लेकिन गति तुम्हारी उल्टी हो जाएगी, भगवान का पूरा नियम है। तो अपना आचार व्यवहार को नापी तोली हिसाब से करना चाहिए, नपा तोला हिसाब से करना चाहिए, और मनमानापन जहाँ भी हो रहा है उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ये भगवान का ये सलाह है, सभी को उपदेश है या आज्ञा है, कि ये फेसबुक आदि जो है, ट्विटर फेसबुक ये सब, इस सबको बिल्कुल त्याग दो, छोड़ दो। कोई भी चीज का कम्युनिकेशन का अति हो रहा है, अति कम्युनिकेशन नुकसानदेह, हानिकारक है समाज के लिए। जैसे न्यूज चैनल्स, टीवी न्यूज चैनल्स इतने सारे हो गए हैं, वो हानिकारक है। एक चीज कोई हुआ वो सब राग आला अपना शुरू कर देते हैं, और एक चीज वो वीडियो को बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर वो 1 मिनट का वीडियो है कोई, तो 1 मिनट का वीडियो बार 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 बार, बार रिपीट करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन भर चलता रहेगा। जैसे वो मेरठ में वो कोई लड़की, ममता यादव या क्या नाम है उसका, जो कुछ लोगों का विरोध किया लड़कों का, अपना पति को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए, तो उसका वो टाइम्स नाउ वालों ने वो इतना दे मारा है, इतना 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 कर डाला है। क्या है, क्या है? न्यूज चैनल का काम है समाचार दे देना, उसके बाद शांत हो जाना। समाचार दे दिए, हो गया, एक आध बार रिपीट कर दिए वो समाचार, तो वो काफी बहुत है, पर्याप्त है। और उसमें फिर तरह तरह के डिबेटिंग करना, तरह तरह के बहस करना, और पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी है, उसका कोई नेता है, उसका कोई लड़का है, उसका फलाना है, उसका ढिमाका है। अरे कुछ व्यवस्था के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान तो हमारे विचार में, कंसिडरेशन में है ही नहीं, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। किसी के साथ भी कोई घटना या दुर्घटना होता है, भगवान के विधान के अंतर्गत होता है, भगवान के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा कहा कहते हुए तुमने सुना होगा।
तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं और सबके ऊपर जीवन में क्या क्या बातें होने वाली है वो तय कर दिए हैं पहले से, इसको प्रारब्ध कहते हैं। वो लड़की के हिस्से में ये था, उस घटी में, उस संयोग, उस काल में, उस समय उसके साथ ऐसी घटना होना था, इसीलिए हुआ। और उससे वो जूझी या नहीं, वो भी भगवान का विधान के अनुसार, भगवान जैसे उसको शक्ति दिए और जैसे उसको बुद्धि दिए, उसी हिसाब से वो इंटरेक्शन हुआ। उसमें जो भी जिसको कष्ट हुआ या जिसको खुशी हुआ या जिसको मजा आया जिसको नहीं मजा आया, वो सब अपना अपना हो गया, बस खत्म हो गया। और उसको तुम खींचते रहोगे खींचते रहोगे खींचते रहोगे तो उसमें तुम्हारी मानसिक अशांति भी बढ़ेगी और तुम्हारा जीवन जो है और दुखमय हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा। अब उसकी बहन कह रही है कि मुझे वकील चाहिए, कि ये करना है, वो करना है, फलाना का। अरे तुम शांत हो जाओ, भूल जाओ उसको, जितना हुआ उसको भगवान को धन्यवाद दो कि कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे और आगे ये मामला ना बढ़े तो अच्छा है। नहीं, मैं तो न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो न्याय क्या मिलेगा, जितना होना है भगवान का विधान है उतना ही न्याय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वो क्या हुआ जो 16 दिसंबर वाला बलात्कार कांड दिल्ली का जो है, क्या उसका फांसी उसी लग गया किसी को अभी तक? नहीं लगा। कानून भी बन गया कि ऐसे मामलों में फांसी मिलेगा, तो मिलेगा। कानून बना देने से फांसी नहीं हो जाता। जिसकी आयु समाप्त हो गई है भगवान के विधान के अनुसार, उसी को फांसी मिलेगा, नहीं तो फांसी हो ही नहीं सकता किसी का। मनुष्य जितना भी प्रयत्न कर ले, जोर जबरदस्ती किसी का जीवन कोई ले नहीं सकता। आइस बकेट वाला छोड़ो और भगवान की शरणागति ग्रहण करो, भगवान का नाम जपो और धर्म के अनुसार चलो और दान दक्षिणा का जो नियम है उसका पालन करो। दसवां हिस्सा दो, अगर 5000 कमा रहे हो तो 500 रुपया दो दान में दो। 500 नहीं दे सकते हो तो 200 दो। हमारे देश में तमाम संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जैसे हेल्पेज इंडिया है बुढ़ों के लिए, बुढ़ा आजकल नहीं कहते हैं, सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनका क्या होता है, उनको अपमान हो जाता है बुढ़ा कहने से। अरे बुढ़ा को बुढ़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो कोई बात नहीं, चलो सीनियर सिटीजन कह देते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पेज, हम भी उसी में हैं, हम सीनियर सिटीजन में हैं, बुढ़े में हमको बुरा नहीं लगता है कुछ भी बुढ़ा उड्ढा को। वो कहता है कि बुढ़ा तेरा बाप, कोई फिल्म बना है कोई, उसको बुढ़ा कहना पसंद नहीं है, सुनना पसंद नहीं है, तो कहता है मैं क्या बुढ़ा हूँ, बुढ़ा तेरा बाप है, ऐसा कहता है, कहने दो। कुछ बच्चों के लिए है, जैसे क्राई है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ये सब हम इसलिए जानते हैं कि हम कुछ अपने जब सेवा सर्विस में थे तो ये सब कुछ अपने तरफ से दान आदि चलता रहता था। क्या बताएं, भगवान ऐसी बुद्धि सद्बुद्धि दिए हैं पहले से, तो चलता रहता है। आजकल सब बंद है क्योंकि आजकल उसकी कोई आवश्यकता अब रही नहीं गया, आप भगवान हो गए हैं ना, तो हम दान दक्षिणा ग्रहण कर सकते हैं, अब दान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और पैसे का लेन देन भगवान बिल्कुल मना कर दिए हमारे लिए, तो वो सब काम करो, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उसमें फिर वो टीवी में तुम्हारा फोटो फिर नहीं छपेगा, ये दिक्कत है। और तुम्हारे लिए टीवी कह रहे हो, इंटरनेट वेबसाइट में फोटो छपना जरूरी है तभी तो लोग जानेंगे, या सोशल नेटवर्क में तुम्हारा फोटो आना जरूरी है तभी तुमको संतोष होगा। वो सब छोड़ो, वो अहंकार को बढ़ाने वाला है और तुमको भटकाने वाला है वो सब। आशा, ऐसी कामना मत रखो कि सब तुमको जाने और तुम सबसे ज़्यादा पॉपुलर तुम ही हो और तुम ही तुम हो और कोई है ही नहीं। अरे भगवान है, सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़ा रुपया नहीं है, सबसे बड़े भगवान हैं। उनको मान लो और अपने को छोटा बना लो, अपने को सिमट लो,
और जैसे कोई ना जाने ऐसा कर लो, आइस बकेट छोड़ो, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।